Hey guys, welcome back to the channel. So, आज हम आ गए हैं कैलगरी जू, बट जू आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम आज जानवर देखने आए हैं. हम एक्चुअली यहाँ पे न्यू ईयर्स का कुछ प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, इट्स अ न्यू ईयर्स ईव. तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है तो हम वो देखने आए हैं. यहाँ पे न्यू ईयर का काउंटडाउन भी होगा तो वो भी करेंगे, और उसके बाद देन वील गो टू कैलगरी टावर, क्योंकि वहाँ पे न्यू ईयर्स के फायरवर्क्स होने वाले हैं. सो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आज इसी वीडियो में. सो प्लीज़ बने रहना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. वैसे तो कनाडा की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कभी भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तब पता लगता है कि कितनी भीड़ है. जैसे म्यूजिक और लाइटिंग हो रखी है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल जुरासिक पार्क में बैठे हैं. इतना अमेजिंग है ना कि मन ही नहीं कर रहा कि हम ऐसे करके व्लॉग करें, कुछ बात करें. मन कर रहा है बस देखते रहो, एंजॉय करते रहो और साथ में आपको भी एंजॉय कराते रहो. यहाँ पर बच्चे रखे हुए ड्रम्स को बजा रहे हैं और उसी से लाइट इफेक्ट्स आ रहे हैं. ये अंदर भी इन्होंने अच्छा काफ़ी डिस्प्ले बनाया हुआ है. इट्स गुड कि सब कुछ आउटडोर नहीं है, बिकॉज ठंड बहुत है. हर बार हम कैलगरी की विंटर्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकल के आते तब लगता है कि बहुत ठंड लग रही है. सो इट्स गुड कि इंडोर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है. ये बहुत ही कूल है, जैसे स्नोफ्लेक्स जैसा इफेक्ट लगाया हुआ है, प्लस कलर्स बहुत ही कूल है. अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है जो इंडोर इन्होंने बनाया हुआ ना, इसकी वाइब इतनी अमेजिंग है ना, बहुत ही सही लग रही है. रोमांटिक भी है, थोड़ी रोमांटिक भी है. इट्स टाइम टू ईट. चलते चलते भूख तो लगी जाती है. वो देखो, वो खाने भी लगी, आ ही नहीं रहे आगे. क्या हो गया? वी हैव चिकन फिंगर्स एंड फ्रेंच फ्राइज एंड कॉफी. स्केटिंग रिंग देखकर फिर से मन कर रहा है कि ट्राई कर लूँ, और सोच रही हूँ इस बार निशांत को भी खींच चलूँ,
लेकिन यार छोटे छोटे बच्चों का एक्सपर्ट लेवल देख कर ऐसा लग रहा है कि बस रहने दो, बेइज्जती होगी फिर। बच्चों का तो बहाना है, जितने बड़े लोग दिख रहे हैं उस झूले पर उसको देख के ही पता लग रहा है कि मजे तो वो भी बहुत कर रहे हैं। सो कैलगरी जू में जो जो भी था वो हमने सारा कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, तो अब यहाँ से चलते हैं और अब चलते हैं डाउनटाउन की तरफ और वहाँ जाके कैलगरी टावर में जो फायरवर्क्स होने हैं एट 12 मिडनाइट वो इंजॉय करते हैं। सो लेट्स गो। वैसे तो कैलगरी टावर हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग से भी दिखता है, लेकिन तब देखते तो हम अकेले दो जने मिलके फायरवर्क्स देख रहे होते। अब यहाँ आए हम विच इज़ ओलंपिक प्लाजा और यहाँ पे इतनी भीड़ है और सब फायरवर्क्स देखने आए हुए हैं। लग ही नहीं रहा कि रात के 12:15 बज रहे हैं और इतनी भीड़ है कि कैलगरी के सारे पब्लिक पार्किंग लॉट्स भी फुल हैं। अभी शुरू होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं शुरू। 5, 4, 3, 2, 1 रात के 12:30 बजे ट्रैफिक जाम हो रखा है।